तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैं एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी एक परफेक्ट सेंसिटिविटी, जायरो, नॉन जायरो और मतलब ADS और नॉन ADS फायर, मतलब किसी भी सेंसिटिविटी को कैसे बिल्ड कर सकते हो, और मतलब उसको कैसे आप एक परफेक्ट मास्टर्ड सेंसिटिविटी बना सकते हो अपने डिवाइस के लिए, अपने लिए, और कैसे उस सेंसिटिविटी की मदद से आप बूम आर्म रिफ्लेक्सेस और मतलब एक्यूरेसी दिखा सकते हो अपनी। और होप सो आप सब्सक्राइब करो, और नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपन 250 सब्स के बहुत क्लोज हैं, और लाइक करके जाना वीडियो को। और लेट्स मूव टू द ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं अपन, और लेट्स गो। तो गाइस आ चुके अपन अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में, और तो पहले तो आपको अपनी M4 वगैरह ले लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया है। तो M4 से तो आप अपनी सेंसिटिविटी सही से बिल्ड कर पाओगे, और फुल ऑन बूम बम पैक भर लो सेंसिटिविटी से वो एमओ से। और पहले तो आपको क्या करना है, पहले देख लो, पहले मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे आपको ये मेरा डिस्प्ले और बाकी वेट, तो गाइस ये मेरे कुछ स्प्रेस हैं और ये देख लो आप। और गाइस सॉरी अगर आपको गन साउंड नहीं आ रहे, बिकॉज मेरा डिवाइस ब्लूटूथ हेड गियर से रिकॉर्ड नहीं करता है, तो उसकी वायर अभी ख़राब हो गई है, तो नई बाय करनी है। तो अभी मैं अपने आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो इसलिए नहीं कर पा रहा, बाकी जब घर पहुँचूँगा तब वहाँ से बाय करूँगा। और यप, तो गाइस ये कुछ स्प्रेस हैं, बाकी आप देख लो, ये 4X और 3X के दोनों के स्प्रे हैं, और इस वीडियो में आपको 4X और 3X के ही बताऊंगा पहले ही कह दी। और अब पढ़ते हैं पर अपने जो मेन चीज़ है उस पर, ठीक है। और ये मेरी सेंसिटिविटी है जो कि अब आएंगी, तो देख लो, जायरो प्लेयर हूँ। तो गाइस पहले मैं आपको 3X का बता देता हूँ कि आप 3X की सेंसिटिविटी कैसे बनाओगे एक मास्टर सेंसी। और उसके लिए आपको पहले सेटिंग्स खोलना है, और अपना जायरो प्लेयर जायरो की खोलना है, वरना ADS सेंसिटिविटी खोलना है, और उसमें आपको अपना -5 करना है अगर आपका ऊपर जा रहा है स्प्रे तो। अगर जैसे अभी बताऊँगा मैं आगे, देखो ये अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको सेंसिटिविटी तेज करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ी हाई रखनी पड़ेगी कार स्प्रेस के लिए, तो उसके लिए आपको प्लस करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा अगर कार स्प्रेस के लिए बहुत धीरे जा रहा है तो आपको उसके लिए तेज करना है, और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो उसके लिए माइनस करना है। और अगर आपका जैसे आप एक जगह मैग्नेट स्प्रे दे रहे हो, एक जगह बंदा खड़ा है उस जगह स्प्रे दे रहे हो, तो उसके लिए आपको स्प्रे अपना करना पड़ेगा, और आपको लग रहा है कि ऊपर जा रहा है स्प्रे मेरा सही नहीं जा रहा, तो उसके लिए आपको अपनी सेंसिटिविटी थोड़ी माइनस करना है, और ये आप करना -5 करके। और अब चलते हैं पर अपने 4X वाले पर, ठीक है गाइस। अब अपन 4X का बताते हैं पार्ट 2। ये 4X का पहले बार तो मेरा स्प्रे किसी और का नहीं है, स्ट्रीम पर लैग करता है इसलिए नहीं दे पाता, वरना स्ट्रीम कुछ लोग कहें कि स्ट्रीम पर ऐसा करता है। तो ये मेरा स्ट्रीम का है, और वैसे जैसे आपने मैंने 3X का बताया वैसे ही आपको अगर तेज़ लग रहा है तो कम करिए, और अगर कम लग रहा है तो ज़्यादा करिए, मतलब समझ रहे हो ना। अगर जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो समझ जाएगा, वरना मैं समझा देता हूँ।
जैसे आप कार का स्प्रे दे रहे हो और आपको लग रहा है कि बहुत स्लो स्लो जा रहा है, कार का ट्रेस नहीं कर पाएगा, तो आप उसमें अपनी सेंसिटिविटी को प्लस करिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि जैसे बंदा एक जगह खड़ा है और आपकी सेंसिटिविटी बहुत हिल रही है, तो उसके लिए आप अपना प्लस करिए। और मैं बस यही सॉल्यूशन है गाइस। ये और बताओ, जो DMR पे फास्ट टैप टैप करते हैं उसके ऊपर भी कुछ वीडियो लाऊं क्या? और कमेंट सेक्शन में बता के जाना, और कोई और टॉपिक भी देना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन पीस आउट। दिस वॉज 21st शाइनिंग आउट।